हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस सवाईपुर पर। मैं दुष्यंत कुमार आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अपन प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण अपने प्रश्न हैं, 30 लगभग, लगभग नहीं फिक्स हैं बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं, पहला प्रश्न है अपने सामने बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक। तो इसके लिए आपको सूत्र बता रखा है बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लियर कट सूत्र पता है शहर बीकानेर में वाला, तो उसके आधार पे आप पता लगा लेंगे। ऑप्शन में वैसे जयनारायण व्यास, मिठालाल गोकुल भाई भट्ट, मेघाराम वैद्य हैं, तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है अपना फोर्थ नंबर, मेघाराम वैद्य या मगाराम वैद्य भी कुछ जगह लिखा हुआ आता है, वो इसका सही उत्तर होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है अपना त्रिलोक चंद माथुर द्वारा किस प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो त्रिलोक चंद माथुर याद रखना, याद है तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन में अलवर, भरतपुर, करौली और झालावाड़ है, और जो थर्ड ऑप्शन है अपना करौली, वो इसका सही उत्तर होगा। थर्ड क्वेश्चन है सुखदेव प्रसाद काक जिन्होंने राजभक्त देश हितकारिणी सभा गठित की थी, किस रियासत से संबंधित थे। ये उल्टा था एकदम से, जो प्रजामंडल में काम करने वाले कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ एक तरह से अवसरवादी लोगों को एक करके उन्होंने काम किया था, ये सुखदेव प्रसाद काक ने, तो कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है इसमें जोधपुर, ये इसका सही उत्तर होगा। उम्मेद सिंह उस समय शासक थे और जोधपुर में प्रधानमंत्री थे सुखदेव प्रसाद काक। फोर्थ क्वेश्चन है अपना मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक, मारवाड़ की आस्था बिल्कुल, कोपाबाई की पोल भी, यानी कि उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है प्रसिद्ध क्रांतिकारी और मारवाड़ प्रजामंडल के नेता जिनकी मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई, इसको याद रखना आपको पक्का, क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। एकमात्र ऐसा उदाहरण आता है जो भूख हड़ताल के बाद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और उनकी मृत्यु हो गई, बाल मुकुंद बिस्सा, आपको याद रखना है। छठा प्रश्न है सर्वहितकारिणी सभा कहाँ गठित की गई। तो सर्वहितकारिणी सभा अगर रियासत पूछा जाए तब बीकानेर है, नहीं तो शहर की बात है यहाँ, तो यहाँ चूरू से ही होगा। सातवां क्वेश्चन है बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम पर किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था। तो उसमें गोपाल दास जी हैं, चंदनमल बहट, सत्यनारायण सर्राफ, तो उपरोक्त सभी सही होगा, चौथा ऑप्शन है इसमें सही है अपना। नेक्स्ट आठवां है जैसलमेर में गुंडा राज या जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किस क्रांतिकारी द्वारा लिखी गई। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सागरमल गोपा इसका सही आंसर। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किस रियासत में जनता द्वारा प्रशासन अपने हाथ में लिया गया था, 1857 की क्रांति के समय भी और जब प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था उस समय भी। तो वो सही उत्तर होगा अपना सेकंड ऑप्शन, कोटा। दसवां प्रश्न है गुलाबचंद कासलीवाल और दौलतमल भंडारी का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था जिन्होंने सत्याग्रह का नेतृत्व किया था उस समय। तो इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला अपना सही है, जयपुर। तासीमो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से था, एक घटना हुई थी जो प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, चौथा ऑप्शन इसमें सही उत्तर है, याद रखना आपको तासीमो कांड। बारहवां प्रश्न है जून 1947 में गठित रास्तापाल किस रियासत से संबंधित था। तो रास्तापाल की घटना हुई थी कालीबाई, गुरुभक्त कालीबाई के नाम से जिनको जाना जाता है, आपको याद होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है, डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया। तो एक घटना हुई थी जिसमें एक कोई महिला थी कृष्णा, उसके नाम पर कृष्णा दिवस मनाया गया था, कुछ जगह कृष्ण दिवस भी आता है, तो आप याद रखेंगे। इसमें लास्ट ऑप्शन है जोधपुर, ये इसका सही उत्तर। 17 जुलाई 1940 तारीख दे रखी है और किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया, ये पूछा गया है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है अपना बीकानेर, बीरबल से बीकानेर आप याद रखेंगे इसको। 15वां क्वेश्चन है राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई। आजाद मोर्चा किस रियासत में, तो ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से, जयपुर में स्थापित किया गया था, जेंटलमैन एग्रीमेंट भी यही हुआ था इस आजाद मोर्चे और मिर्जा इस्माइल के बीच में। 16वां क्वेश्चन है किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, यानी कलकत्ता में स्थापित होने वाला, तो उसमें सही उत्तर है अपना बीकानेर। इसके अलावा भी एक दो हैं जो इधर उधर हैं, जैसे सिरोही है, बंबई, फिर अपना जैसलमेर है, उसका उसका जो स्थापना का काम है वो जोधपुर में हुआ था।
17वां है मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 इसका सही उत्तर है, आपको याद रखना है मेवाड़। तिथियां लगभग लगभग याद अगर हो जाती हैं, नहीं तो जो सबसे महत्वपूर्ण पांच छह रियासतें हैं जहां के प्रजामंडल बने थे उनको तो आपको कम से कम याद रखना ही है। 18वां है राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दिया था? तो इसमें भी सेकंड ऑप्शन सही है अपना, बीकानेर। 19वां है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा? तो सूत्र में आता है एक जगह मामे के साथ मिलकर, तो माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना सही है, माणिक्यलाल वर्मा। 20वां प्रश्न है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई? तो डूंगरपुर आप सूत्र के आधार पर भी अगर लाना चाहें तो बोडू ऐसा नाम आता है उसमें, बोगीलाल पांड्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, बागड़ के गांधी भी जिनको कहा जाता है। 21वां है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? पूछा जा सकता है वर्ष, ऑप्शन में 45, 43, 50 और 39 है, और सही उत्तर भी अपना लास्ट वाला ऑप्शन ही है, 1939। 22वां क्वेश्चन है बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो बांबू शब्द आया था आपको ध्यान हो तो सूत्र में ही, उसके आधार पे अपन सही कर सकते हैं इसको, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। 23वां क्वेश्चन है सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? दो बार हुई थी, दो बार का मतलब कि सर्वप्रथम अलग आएगा, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, 1931 में, कपूरचंद पाटनी आप जानते हैं। 24वां है भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो भरतपुर एबीसीडी पूरा का पूरा ही 38 याद रखना है, 1938 में। 25वां है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन राजस्थान में कहाँ हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भी खुद जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जयपुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था? ऑप्शन में मिर्जा इस्माइल, रामकृष्ण जोशी, के मुंशी, फिर इधर जयनारायण, फिर के मुंशी, माणिकलाल, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री, तो लास्ट वाला ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। 27वां है जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया था? जवाहर दिवस, दिवस का नाम दो तीन हो गए, कृष्णा दिवस हो गया, बीरबल दिवस हो गया, अभी एक जवाहर दिवस और, तो ये मनाया गया था 16 नवंबर 1930 में, तो ये आपको याद रखना है 16 नवंबर 1930। और बाकी जवाहर दिवस या जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर के बारे में 8वां आश्चर्य भी कहा था इसको, तो ये भी आपको याद रखना है। 28वां क्वेश्चन है डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल एक प्रश्न में भी आया था अगर आपको ध्यान हो तो, नहीं तो जो सही उत्तर है वो अभी तो फिलहाल मैं लगा देता हूँ या निशान, 1944 में। 29वां है निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बार स्थापना की थी तो अध्यक्ष भी उन्हीं को बनाया गया, भोगीलाल पांड्या। और लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आप कमेंट करके बताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऑप्शन में मुंबई, कलकत्ता, जयपुर और दिल्ली है ना, जयपुर तो एक ही ऑप्शन है लेकिन पहला यहाँ हुआ नहीं था। ओके धन्यवाद।